वेलकम टू एस्ट्रोटेक लैब, आओ जानते हैं शिवजी के नंदी के कानों में मनोकामना बोलने के नियम क्या है। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक हैं नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे, इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बाएं बोल दें। शिवजी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा शिवजी की सेवा में तैनात रहते थे। जो शिव ध्यान करते हैं इसीलिए शिव और नंदी के बीच में खड़े होकर शिव पूजन भी न करे। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। नोट, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रहा है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। हम आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।